नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो पच्चीस सौ का चीक्स पालने में कितना खर्चा आता है उसके बारे में बात करेंगे पिछले एक वीडियो में मैं अपना जो शेट का जो पच्चीस सौ का शेड बनाने में कितना खर्चा आता है उसके बारे में बताए थे तो जो पच्चीस का शेड का उसका तो वीडियो बना दिया लेकिन उसको पालने में कितना खर्चा आता है उसके बारे में आज बात करेंगे चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मैं तो अब मेरा चिक्स तो आने वाला एक हफ़्ते बाद मतलब एक हफ्ते भी नहीं लगा तीन से चार दिन लगेगा मैं ऑर्डर कर दिया तो जो पिछले लॉट में पिछले लॉट में तो आपको पता होगा कि मैं तेईस सौ चिक्स छोड़ा था जो सोया का जो रेट है दाना का कॉस्ट हाई हो गया था करके तो उसके उससे पहले का जो उससे पहले मैं जो पच्चीस जगह चिक्स छोड़ा था उसमें कितना प्रॉफिट हुआ था और कितना खर्चा हुआ था उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए फिर वीडियो को मैं एक कापी और पेन से आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि मेरा कितना खर्चा आया था तो ख़र्चा का अभी इसी मतलब अभी जितना जैसे सोया का रेट तो पहले ज़्यादा था अभी घट के आधा हो गया उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बताऊँगा कि पच्चीस चिक्स पालने में अभी आपको कितना खर्चा आएगा और अब अगर पच्चीस सौ चिक्स पालते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा उसको आपको दिखाऊंगा पूरा लाइव तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा लास्ट तक देखना तो चलिए मैं आपको कॉपी पेन में शो करके दिखाता हूँ कि अगर आप आप भी पच्चीस सौ का चिक्स पालना चाहते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा चलिए फिर चलिए फिर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेट करके कॉपी पेन में तो दोस्तों अगर आप पच्चीस का चिक्स पालने का सोच रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए तो चलिए फिर मैं अभी जो सोया का रेट है वो अभी हाल ही में पचास हो गया था तो अभी रेट बढ़ गया तो साठ आ चुका है तो अगर आप पच्चीस का चिक्स पाल रहे हो तो आपको जो सोया पड़ेगा देर मतलब ढाई ढाई टन मतलब पच्चीस कुंटल सोया लगेगा जो आपका अभी का रेट के हिसाब से साठ रुपया तो आपको लगेगा देर लाख का जो सोया लगेगा ठीक है फिर पा पाउडर को आप तो जानते हो स्टेटर और फिनिशर हो गया तो जो पाउडर है वो मैं सारे सैंतीस किलो के हिसाब से एक बोरी रहता है तो जो बोरी है अगर आप पच्चीस सौ चिक्स पालते पच्चीस सौ चिक्स पालते हो तो आपको अस्सी अस्सी कुंटल दाना खिलाना पड़ेगा तो अस्सी कुंटल दाना खिलाने से तब जाके आपको दो किलो के एवरेज में पोल्ट्री मिलेगा तो तो मैं अगर आप दो किलो के एवरेज पोल्ट्री बनाना चाहते हो तो जो पाउडर है वो सोलह बोरी लगेगा सोला बोरी ख़रीदने के लिए आपको लगेगा मतलब सोला बोरी ती, तीन हज़ार करके ले, लेगा तो आपको अड़तालीस हज़ार पाउडर में जाएगा और जो चिक्स है चिक्स का रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है कभी दस तो कभी पंद्रह तो कभी साठ साठ भी हो गया था तो अभी आप अभी का जो चिक्स रेट है पैंतीस रुपये है तो पैंतीस अगर पैंतीस रुपये चिक्स का रेट है तो पच्चीस सौ का जो चिक्स आएगा तो आपको सत्या सतासी हज़ार पाँच सौ का ठीक है और जो तेल है तेल आप डेढ़ सौ लीटर लगेगा आपको पच्चीस सौ का जो अस्सी क्विंटर दाना बनाने में आपको डेढ़ सौ लीटर तेल लगेगा ही तो उसका तेल का जो कॉस्ट आएगा आपका सत्रह हज़ार दो सौ पचास रुपया ठीक है लास्ट में आपको कैलकुलेट बताऊँगा कि आपको कितना खर्चा आएगा और कितना प्रॉफिट आएगा तो वीडियो को लास्ट तक देखना फिर बात करते हैं मक्का का आ, मक्का जो आपको लगेगा पचास क्विंटल मक्का लगेगा ठीक है और अभी जब मक्का का रेट है अभी बहुत कम हो चुका है पहले तो बीस रुपये था तो अब घट के चौदह रुपये आ गया तो उस हिसाब से आपको पचास क्विंटल मक्का खरीदने में आपको बहत्तर हज़ार आठ सौ रुपये लगेगा मक्का में और जो जो मेडिसिन रहेगा आपका वो पाँच हज़ार के अंडर में हो जाएगा अगर कोई बीमारी ना लगा तो अगर बीमारी लग गया तो आप सोच लो ज़्यादा भी लग सकता है पंद्रह बीस भी हो लग सकता है तो अगर आप सही तरीके से ढंग से ख्याल कर रही है, मतलब देखभाल करोगे तो पाँच हज़ार के अंदर में आपका हो जाएगा फिर बिजली और लेबल का जो खर्चा है वो पाँच हज़ार पकड़ लीजिए आप ठीक है और जो लीडर जैसे लीडर हो गया लीडर लीटर हो गया उसका पच्चीस सौ का पालने में मतलब दो हज़ार लीटर का पका लीजिए ठीक है लीटर दो हज़ार लीटर का हो गया बाकी जो टोटल मिला के होता है आपका तीन लाख सत्तासी हज़ार सात सौ पचास मतलब जितना भी इतना कॉस्ट आप इन्वेस्ट करोगे पोल्ट्री का फीड में पोल्ट्री मतलब चिक्स लेकर फीड तक इतना इन्वेस्ट करोगे फिर आपका जो मतलब जो अस्सी क्विंटल दाना खा के आपका जो पोल्ट्री आएगा पच्चीस का दो किलो का एवरेज में आएगा पचास कुंटल आपको मिल ही जाएगा एकदम पवन तिरपन क्विंटल मिल जाता है लेकिन आपको पचास कुंटल कन्फर्म पकड़ लीजिए तो आप पक पचास कुंटल आप बना भी लेते हो तो अगर आपका रेट नब्बे भी मिल जाता है आपको नब्बे तो मिल ही गया मिल ही जाएगा आपको मतलब आप पकड़ लीजिए नब्बे के रेट में तब भी आपको कितना होता है मतलब नब्बे करके अगर बेचोगे पचास कुंटल पोल्ट्री को तो होगा आपका साढ़े चार लाख आप बेचोगे और इसका पूरा आपको कितना हुआ था तीन लाख सत्ताईस हज़ार पाँच सौ तो आप माइनस कीजिए कर दीजिए चार लाख साढ़े चार लाख से तो आपका प्रॉफिट होगा पैंसठ हज़ार तो दोस्तों देख सकते हो आप पोल्ट्री का जो जो बिजनेस है वो बहुत ही प्रॉफिट वाला है अगर आप एक बार ट्राई करके कर कर देख लेना तो आपको पता चलेगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा उसको बताना और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी जान सके कि आप पच्चीस सौ का चिक्स पालने में कितना खर्चा आता है तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही धन्यवाद